ये मैं फातिमा जिना की किताब पढ़ रहा था, माई ब्रदर, जिसमें वो कायद अजम मोहम्मद अली जिना के मतलब लिखती हैं। और इसके अंदर एक इसका सफ़ा गालिबन 14 और 15 पे, ये इन्होंने कायद अजम ने खिताब किया था विद सिविल एंड मिलिट्री सर्विसमैन, मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट जो ऑफिसर्स हैं उनसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अहम। 14 अप्रैल 1947 को ये किताब का नाम है माई ब्रदर, जो फातिमा जिना ने लिखी थी। तो इसमें ये जो हाईलाइट हुआ है, ये गौर से पढ़िए आप, ये क्या उन्होंने लिखा, दैट योर सर्विस इज ब्लैक बैकबोन ऑफ द स्टेट, आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो नौकरी है, ये रीढ़ की हड्डी है मुल्क के लिए। गवर्नमेंट्स बनती हैं, हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें जाती हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, मगर आप लोग पावर में रहते हैं, यानी कि नौकरी में रहते हैं, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर, कि आप किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। ये वो काम हो रहे हैं जो आज खुलेआम पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पाकिस्तान की एजेंसियाँ कर रही हैं। इसी चीज़ से मना किया था कायद अजम ने। और ये आगे देखें, द पोलिटिकल और एनी पोलिटिकल लीडर, किसी सियासी लीडर को, और दिस इज़ नॉट योर बिजनेस, आपका एक काम नहीं है, वट विच एवर गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी हुकूमत कानून के मुताबिक बनती है, तो आपका काम है वफादारी से और लॉयल्टी से हुकूमत को, यानी मुल्क को सर्व करना, मेंटेन हाई रेपुटेशन, अपनी अच्छी रेपुटेशन रखना, योर प्रेस्टीज, योर ऑनर, योर इंटेग्रिटी ऑफ योर सर्विस पाकिस्तान बनाने के लिए, और पाकिस्तान के लिए जो इसे बेहतर बनाने के लिए ख्वाब देखा गया उसे पूरा करने के लिए। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि आप पे नाजायज़ सियासी प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, विच विल लीड टू करप्शन, जिससे करप्शन होगी, रिश्वत का बाजार गर्म होगा, एक रवा परवरी होगी, और आखिर में कहा है जो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, यही कुछ है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है बदकिस्मती से, ख़ास तौर पे जो इदारों की जिस तरह से नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट हुई है।